तो हे गाइस, वेलकम बैक टू मन अदर यूट्यूब वीडियोस। मेरा नाम है मयूर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक होने वाला है कि हम किस तरीके से अपने प्लेस्टेशन 2 की किसी भी गेम को अपने प्लेस्टेशन 4 में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव चाहिए होगी जो कि 8 GB तक की होगी तो चलेगा, ठीक है, उससे ऊपर भी होगी तो चल जाएगा। देन उसके बाद PS2 की जो भी गेम आप खेलना चाहते हैं उसे डाउनलोड कर लें इस तरीके से ISO फाइल में। देन उसके बाद दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये PS2 कन्वर्ट टू PS4। ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे, जिप फाइल है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये आपको टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बट उसके बाद लिंक कभी काम नहीं करता है तो आपको सिंपली सर्च कर लेना वहाँ जाके मयूर गेमिंग। इस तरीके से आप जब इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस तरीके से ये फोल्डर बन निकल के आता है, इसे डिलीट कर देंगे। देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, दो इमेज डाउनलोड करनी, जो भी गेम आप खेलना चाहते हैं उसकी इमेज डाउनलोड करनी, ठीक है। कवर ये ऑप्शन है, आपको लगाना नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। देन उसके बाद सबसे पहले एक चीज़, गेम को डाउनलोड करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है ये। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे देखिए, सारे गेम्स जो PS2 के होते हैं उनके नाम लिखे, और उसके पीछे यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेबल, और कुछ के पीछे लिखा हुआ अनप्लेबल। तो जिसके पीछे रेड कलर में अनप्लेबल लिखा हुआ वो गेम नहीं चलेगी, वो आपको डाउनलोड नहीं करनी है। जिसके पीछे यहाँ पे ग्रीन में लिखा हुआ प्लेबल वो डाउनलोड कर लेनी है, वो चल जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेकन 5 को डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे मिनिमाइज कर देंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको इस फोल्डर को ओपन करना है, देन उसके बाद इसे फिर से ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे PS2 फेक PKG, इसे ओपन करना है, इसे क्लोज कर देना है। देन इसे भी राइट क्लिक करके क्लोज कर देना है, यानी कि ओके कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे Disk 1 लिखा हुआ है, सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी जो भी गेम आपने डाउनलोड की थी उसे सिलेक्ट करना है, मैंने अपने टेकन 5 सिलेक्ट की है। देन उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, Jack 1 लिखा हुआ है, यानी कि Jack V2। तो आपने सिंपली वेबसाइट को फिर से ओपन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने टेकन 5 को डाउनलोड किया था, उसी के सामने अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए V1 लिखा हुआ है, ठीक है, V1। आपको सिंपली इसे मिनिमाइज करना है और इसे V1 पे कर देना है, ये देखिए V1, ठीक है, ओके करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों आपको जो भी गेम का नाम देना है यहाँ पे दे सकते हैं, बट जो गेम का नाम है वो ओरिजिनल रहने दें, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। देन उसके बाद इसको नहीं छेड़ना है, ये टाइटल आईडी, इसको नहीं छेड़ना है। इतना काम आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं गेम की, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं, फिलहाल के लिए मैं आपको इसी दिखा देता हूँ। क्रिएट फेक PKG पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है जब गेम आपकी रेडी हो जाती है तो आपको कहाँ पे चाहिए, मैं सिंपली डेस्कटॉप पे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देंगे। तो इसका जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जब तक ये क्रिएट PKG लिखा हुआ आता है और यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट चलते हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ को छेड़ा छेड़ी नहीं करना है, वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने जब ये रेडी हो जाएगा तो एक पॉपअप निकल के आएगा, तो ये देखिए दोस्तों प्रोसेसिंग फिनिशेड, इस तरीके का पॉपअप आता है, ओके पे क्लिक करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये PKG बनके तैयार हो गई है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली दिस PC को ओपन करना है, अपने USB पेन ड्राइव का फॉर्मेट हमने शायद कर लिया था, अगर नहीं किया हो तो फॉर्मेट फिर से कर लेंगे, फॉर्मेट, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करें, ओके कर दें, स्टार्ट, देन ओके, ये हो जाता है, ओके पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल इसको आपको उठाना है PKG को और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, देन उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉपी हो जाती है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, अपनी जो फेक PKG थी वो पेन ड्राइव में कॉपी हो गई। अब सिंपली अपनी पेन ड्राइव को यहाँ से इजेक्ट कर लेंगे और इसे लगा देंगे अपने PlayStation 4 में। तो चलिए अब चलते PlayStation 4 में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें PlayStation 4 पे आने के बाद अपना जो है जेल ब्रेक होता है उसे अप्लाई करना होगा, यानी कि हैन को इनेबल करना होगा। तो मैं हैन को इनेबल कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों मैंने अपने जो है हैन को इनेबल कर लिया है, अब मैं अपने पेन ड्राइव को लगा देता हूँ अपने PlayStation 4 में। तो जिस पेन ड्राइव में मैंने गेम कॉपी की थी अब वो पेन ड्राइव मैंने लगा दी। अब मुझे जाना होगा सेटिंग में, देन यहाँ पे एक्स दबाएंगे, यहाँ पर ऊपर गोल्ड हैन एक्सप्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद फिर से फर्स्ट पे यहाँ पे आपकी गेम शो हो जाएगी, इस पर एक्सप्रेस करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। तो दोस्तों PKG अपनी कंप्लीट हो गई है, और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेकन 5 यहाँ पे शो हो गई है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सारी गेम यहाँ पे स्मूथ रन नहीं करती है PlayStation 2 की, ठीक है। कोई कोई गेम थोड़ी सी लैगी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर गेम अच्छी चलती है। मैं आपको टेकन 5 दिखा देता हूँ, टेकन 5 में हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ये देखिए PlayStation 2 का जो लोगो आ गया, ये फिर से आया,
देनी अपनी गेम स्टार्ट हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्टार्ट बटन का काम करेगा वो आपका जो स्क्रॉल यानी कि टच पैड होता है ना, आपका टच पैड काम करेगा। ठीक है, टच पैड में राइट साइड अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है स्टार्ट बटन काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप प्लेस्टेशन 2 की किसी भी गेम को आसानी से खेल सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।